आपका नाम है वसुंधरा, वैसे वचनबद्ध कैसे संयमी, उसे उत्साही वैसे नम्र। देश अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रहलाद जी शर्मा, महामंत्री माननीय महावीर जी सुंदर, संगठन मंत्री माननीय देवराज जी गोचर, पूर्व जिलाध्यक्ष घनश्याम जी, संरक्षक मंडल के श्याम जी शर्मा, नायक जी और संतोष जी, संयोजक आज के दिनेश जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी, हमारे सांसद वीपी सिंह जी, भीलवाड़ा के विधायक श्री विठल जी और उससे सब गुरुजन, आप लोगों को सबको प्रणाम करना चाहेंगे। मौका मुझे आसानी से मिलता नहीं है कि इतने सारे गुरुजन एक जगह पे अपना दर्शन मुझे दे रहे हैं और आप लोगों ने मुझे यहाँ बुला के मेरा मुझे एक दफा आप लोग सबसे मिलने का ये मौका दिया। मुझे सबसे पहले तो मैं आभार प्रदर्शन करना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी कि मौका आपने यहाँ बुला के दिया। हाँ, यात्रा चल रही है, कई दिनों से चल रही है, बहुत कुछ यात्रा के अंदर सीखने को भी मिला और भीलवाड़ा से भी मेरा काम खत्म हो गया। हम लोग आगे जगापुर अगला हमारा वही है। ये आखिरी दिन में इन दो डिस्ट्रिक्ट का वो कम्प्लीट करके बहुत कुछ चीजें मेरे ध्यान में आई हैं। तो मैं समझती हूँ कि ऐसा लगता नहीं है कि हम कहीं आगे बढ़े। 10 साल पहले जो मैंने देखा था और अब 10 साल के बाद देख के मुझे चिंता होती है कि क्या राजस्थान अभी भी ऐसी स्थिति में पड़ा है। कैसे हम लोग इसको मदद करेंगे और किस तरीके से इस गड्ढे में से निकालने की हम कोशिश करेंगे, ये सिर्फ राजनीतिक लोगों के हाथ में नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आप लोग सबके हाथ में है। और मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो टीचर्स को, गुरुजनों को मिलती है, जो इलाके के अंदर जगह जगह पे छोटे छोटे गाँव के अंदर बैठ के लोगों का मन बनाते हैं कि इस राजस्थान को अगर आगे बढ़ाना है तो हम सबको इसके अंदर हिस्सा लेना। कई लोगों ने मेरे को रस्ते में रोक के ये कहा, बहुत अच्छी बात है, आप आ जाओगे हम बदल देंगे। मैंने सबको ये कहा, एक व्यक्ति के हाथ में कोई जादू नहीं है, ये टीम एफर्ट है। इस टीम एफर्ट के अंदर आपका टीम लीडर जरूर होता है, परंतु लीडर ही लीडर हो उसके पीछे टीम ही ना हो तो मैं समझती हूँ कि वही हाश होगा जब अभी तक राजस्थान का हाश हो रहा है। इसमें आपके टीम की जरूरत है, जब पूरे टीम उसमें बैठ जाएंगे, अलग अलग के माने जगह के ऊपर बैठ के अपनी जिम्मेदारी को मानेंगे तो मैं समझती हूँ कि गुजरात भी हमारे साथ हमारा प्रदेश बन सकता है। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सब लोग कहते हैं कि गुजरात कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पर राजस्थानियों के अंदर भी बड़ा जोरदार हुनर है, हमने बस उसको इस्तेमाल नहीं किया है या उसको वैसे छोड़ के रखा है। अब मैं समझती हूँ कि यहाँ सब लोग जो भी बैठे हैं अगर धीरे 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 उसको ढूंढें, उसको निकालें, पार पोस के उसको बड़ा करें जो आपके हाथ में है, तो मैं समझती हूँ कि ये चेंज अगले जनरेशन आप उसको देखने को अपने को मिलेगा और उसके लिए अपने को बहुत ज़्यादा दिन रुकने की जरूरत नहीं होगी, ना पॉलिटिकल लोगों के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत होगी। ये रेवोल्यूशन जो है वो अंदर से और नीचे से आएगा। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय को इसीलिए मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि ऐसा मौका मुझे रोज नहीं मिलता कि मैं आप लोगों के साथ ऐसे समय पे जब मैं राजस्थान की पूरी स्थिति देखते हुए और दुखी होकर निकल रही हूँ, किसी को मैं बताना चाहती हूँ, अकेले मैं इसको इस भार को लेकर चलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस भार को आप जैसे लोगों के साथ अगर मैंने शेयर कर दिया तो हो सकता है कि इसको थोड़ा सा मिटाने में या कम करने में आप लोगों का अगर हाथ हो जाएगा तो राजस्थान का बहुत बड़ा फायदा। आप बिलीव नहीं करोगे, ये चौथा चरण अपन ने चालू किया है। भूल जाओ कि
कि राजनीतिक लोग ये काम तो करते नहीं है, क्योंकि जयपुर में बैठ के हमको सब कुछ मालूम हो जाता है, हम अंतर्यामी लोग हैं, हमको इलाके के अंदर लोगों से मिलके बात करके कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, सब चीज हमको जयपुर में मालूम है। हम लोग कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोचा कि भाई शायद हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, हमको जरूरी है कि जब तक हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे तब तक हमें ये नहीं मालूम होगा कि वाकई में क्षेत्र के अंदर क्या है। ऐसा लगेगा क्षेत्र के अंदर जाएंगे, आपको तो अच्छी तरह से मालूम है ही कि 20-25 साल 30 साल कहाँ चले गए किसी को मालूम नहीं। आज भी बिजली की मुसीबत, आज भी पीने के पानी लोगों को नहीं मिलता, सिंचाई का पानी से भूल जाओ, रोड की ऐसी वाहियात व्यवस्था है। मैं सोच रही थी कि मालूम नहीं कितना कुछ बदल गया होगा, परंतु कुछ नहीं बदला है। वर्स्ट पार्ट ये है कि स्कूल तो बहुत सारे खुल गए हैं परंतु वहां टीचर नहीं है, हॉस्पिटल भी खुल गए हैं परंतु वहां डॉक्टर नहीं है, और जब आप पता करते हो तो इसकी जड़ अंदर ये मालूम हो जाती है कि हमने सरकार में अंदर के अंदर बैठ के भर्तियां ही नहीं की है। तो जब भर्तियां ही नहीं की है और 1.5 लाख शिक्षकों के पोस्ट लेकर पड़े हुए हैं तो फिर तो ये समस्या हम लोग उससे जूझनी तो पड़ेगी। और जब 18 टीचर की पोस्ट को 2 या 3 टीचर संभाल रहे हैं तो मुझे इस बात बताइए, सब्जेक्ट के टीचर भी नहीं है तो मुझे बताइए कि आगे चल के उस क्षेत्र का जिस छोटे क्षेत्र के अंदर वो स्कूल है उस क्षेत्र आगे बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, उनके बच्चे बड़े होंगे होनहार होंगे तो कैसे होंगे, आगे चल के राजस्थान प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कैसे करेंगे। देख के डर लगता है, और जब मैं ये देखती हूँ जो शिक्षा की हालत हो गई है, कोई एक टीचर है 100 बच्चों को संभाल रहा है, जो भी उसको बेचारा कर सकता है वो 2-3-4-5 क्लासेज में उनको पढ़ाने की कोशिश करता है, किन हालात में निकाल रहा है अपना समय, मुझे दया आती है क्योंकि उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, एक टीचर क्या कर सकता है, परंतु ये एक्सपेक्टेशन है कि वो तो पूरा सब कुछ संभाल सकता है, आखिर में टीचर है ना, पढ़ लिख के आया है ना, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि अरे तुम तो 4 क्लास की संभाल लो, 5 क्लास की संभाल लो, तो एग्जाम भी संभाल लो, तुम और भी काम कर लो, चुनाव भी करा लो, सब करा लो, तुमको तो वैसे हमने रखा हुआ है, खाली टीचर पढ़ाने के लिए नहीं। मुझे याद है कि हम जब स्कूल में हुआ करते थे तो हमें हमारे गुरु मैं हम बात नहीं कर सकते, हम डरते थे हमारे गुरु से, हम इतना लिहाज करते थे उनका, और जब वो कुछ कहते थे तो सब शांति से सुनते थे और उसको जहन में ले जाने की कोशिश करते थे। इतना मैंने सब कुछ होने के बाद उस समय से लेके आज तक जो मैं देख रही हूँ गिरावट और फर्क, वो शायद टीचर को भी महसूस हो रहा है। और मैं मानती हूँ कि सबसे पहले जरूरी है कि जो ये पद खाली है उनको भरा जाए, जिस तरीके से हम लोगों ने पहले भरा था उसको जितने जल्दी हो सके भरा जाए, ताकि स्कूलों के अंदर हमारे बच्चों को वो सक्षम तरीके से एजुकेशन मिले। आज मैं देख रही हूँ कोई मेरे को कहता है कि 1,14,000 मेरे पास भी आए, 1,40,000, 1,51,000, इस तरीके के टीचर के पद खाली है, टीचर के पद खाली है। मैं समझती हूँ कि जल्दी से जल्दी भरे जाए, और मैंने अभी देखा कि उसको पोलिटिकल करके आरपीएससी को और सेंट्रल कमीशन को खत्म करके ये कोशिश कर दी कि इनको जिलों के अंदर कर दो। जिलों के अंदर करने का मतलब ही मैं समझती हूँ कि वो भी पॉलिटिकल है, क्योंकि कोई निकालता है तो उसको ले जाके कोर्ट में खत्म कर दो तो मां की भर्तियां होने वाली नहीं है, वहीं से वहीं वो मामला अटक के रह जाएगा और टीचर की कमी होती जाएगी, क्योंकि हर साल रिटायरमेंट होता है। और इसका नुकसान खाली नई पीढ़ी को नहीं, आपने ये टीचर बन सकते हैं, इसका नुकसान हमारे पूरे राजस्थान को है और वो क्षेत्र के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। शर्म की बात है अगर मैं ये देखूं कि जब अभी उन्होंने एक अभियान चलाया था संविधान अभियान, इसमें नतीजे जो सामने आए वो आप लोग टीचर को सब जानते हो, बिल्कुल चौंकाने वाले थे। राजस्थान में 8वीं कक्षा के 23% बच्चे हिंदी में नहीं पढ़ना जानते। संविधान की इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 8वीं के 35% बच्चे अंग्रेजी लिखना नहीं जानते, और हमारे राजस्थान की स्थिति ऐसी दयनीय हो गई, ये कभी पहले नहीं हुआ करती थी। मैं समझती थी हूँ कि अब आप हर दूसरे तीसरे साल अगर रिपोर्टिंग लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि सर नीचे गिरा ही है, ये इसी वजह से
कि वहाँ टीचर भी नहीं है, कोई उनको गाइड करने वाला नहीं है, पढ़ाई करने वाला नहीं है, स्कूल से आने की जरूरत ही नहीं है, और हर चीज को आप फिगर्स ही फिगर्स में सरकारी कागजों के अंदर बना के हम रख लेते हैं, और जयपुर में बैठ के हम इतने खुश हो जाते हैं कि चलो करोड़ों बच्चों को हमने नौकरी दिया है, हमने स्कूल में लाके उनको एजुकेशन देने का काम कर दिया। अभी अभी जो एक डरावनी डिसीजन जो इन्होंने लिया है, डरावना डिसीजन लिया है, और अभी उसके ऊपर काफी बातचीत चल रही है, डिबेट भी चल रहा है कि आठवीं तक बिना पास करके अपन इनको परीक्षा के अंदर पास करें, किसी को परीक्षा करने की जरूरत नहीं है, आठवीं में किसी को आप फेल नहीं करेंगे, तो फेल ही नहीं करेंगे और आराम से नौ में चला जाएगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि बारहवीं में जाएगा बच्चा तो उसकी क्या हालत होगी? अगर आज ये देख लीजिए कि आठवीं कक्षा में उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, 23% बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पाते, जब परीक्षा नहीं होगी और आप इनको आगे कर दोगे तो उनकी क्या हालत होगी? बारहवीं में वो बच्चा किस काम का रहेगा? और मैं तो मानती हूँ कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र शायद अमेरिकन स्कूल के साथ षड्यंत्र है, इस देश के साथ षड्यंत्र है, क्यों मैं अमेरिका हुआ हूँ और मैंने देखा है कि पढ़ाई लिखाई के अंदर उनके बच्चे बड़े वीक है। हमारा जो बच्चा गणित के अंदर टिप्स के ऊपर 100, 150, 50 ऐड कर लेता है, उसको कोई मशीन की जरूरत ही नहीं पड़ती, वहाँ उनके बच्चे अपने एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर अपना कैलकुलेटर लेके जाते हैं क्योंकि वो गणित कर नहीं सकते। अगर कोई उनको कह दे कि 5000 को 3222 का ऐड कर दो तो उसको अपने कैलकुलेटर के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमारे बच्चों को कहने की जरूरत नहीं है, आपको जो कहने की उसका जवाब आपको दे दें, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े तेज तर्राट हैं और दुनिया के अंदर माना जाता है कि हिंदुस्तानी ब्रेन बहुत ही ऊंचे दर्जे का ब्रेन है, और आज अमेरिका के अंदर जब रिक्रूटमेंट होता है तो हमारे हिंदुस्तान के बच्चों के बहुत बड़े माने स्थान है आईटी के अंदर, तो हिंदुस्तान के बच्चों के लिए तो कुछ ही छूट है, वीजा मिलते हैं आईटी के पास जा रहे हो तो वीजा मिल जाता है आराम से। तो मुझे मालूम है कि अमेरिका के अंदर हमारे यहाँ के बच्चों की कितनी बरकत है, परंतु अगर आप उनका एजुकेशन का स्तर ही खत्म कर दो तो कल को ये बहुत बड़े षड्यंत्र के अंदर हम भी एक इंतजार बन जाएंगे, उसका लेवल भी जाएगा, तो कल को हमारी बकत नहीं होगी, हमारे बच्चों को कोई लेगा नहीं, और आज अगर हमारी स्ट्रेंथ है तो वो हमारे लोग कहते हैं ना कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत मैंने पॉपुलेशन बढ़ गया है, परंतु इस पॉपुलेशन के अंदर हमारी दो स्ट्रेंथ है, एक यंग पॉपुलेशन, दो बड़ी इंटेलिजेंट पॉपुलेशन, ये दो चीज जो एक में मिल जाती है अगर वो आगे चल जाती है तो मैं समझ चुकी देश की क्या दुनिया के अंदर राज करने का काम है हमारा। आप इंग्लैंड में देख लो कितने सारे हिंदुस्तानी पहुंचे हैं, अमेरिका में देख लो कितने सारे हिंदुस्तानी पहुंचे हैं, डरते भी होंगे वो, हो सकता है ये साजिश है, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता कि कोई थिंकिंग आदमी ये कहीं रूल बनाए या लॉ बनाए कि आठवीं तक बच्चों को पास कर दो। हमारे कार्यालय क्षेत्र में मैं थी उदयपुर डिवीजन में, और उदयपुर डिवीजन के ट्राइबल्स ने मेरे से ये कहा कि ये हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, तो क्या दिल्ली वाला नहीं सोच सकता? इसका मतलब इसने बहुत सोच समझ के इसके बारे में नीति बनाई है, ये सोच करके कि हमारे बच्चों का जो एडवांटेज है उस एडवांटेज को हम खत्म करने की कोशिश करें। अब हमारे संसद की स्थायी समिति ने हल्ला जब मचा तो संसद की स्थायी समिति ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और उन्होंने राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो बहुत भारी नुकसान हो रहा है, सेकंड ओपिनियन के लिए लोग उठे। उनका ये कहना है कि बच्चे तो वैसे ही पढ़ाई से कतराते हैं और अगर आप अगर इस फॉर्मेटिव एज के अंदर उनको पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं तो आगे चल के हमको वैसे ही नुकसान होने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी इस व्यवस्था से शुरू से खिलाफ है और पूरी जुट के कांग्रेस की सरकार से ये मांग कर रही है कि बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने वाली इस व्यवस्था को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। और मैं मानती हूं कि ये जिससे हो जाता है तो एक न्यू लीज ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं हम लोगों को मिल जाए। ऐसे कई चीज हैं, मैं खाली एजुकेशन की तरफ से ही बात नहीं कर रही, मैं सोचती हूँ कि जब टीचर जाता है तो पुराने गुरुकुल को तो ठीक है अब वो नई व्यवस्था नहीं, परंतु अगर वहां से हम सोचें तो टीचर तो खाली पढ़ाने वाला नहीं रहता है, वो बच्चे की जिंदगी के ऊपर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस बन के चलता है,
उस टीचर को देख के, उसकी व्यवस्था को समझ के, उसकी आवाज को सुन के, उसके इंस्ट्रक्शन को देख के समझ के बच्चे आगे चलते हैं। बच्चा अपने टीचर के ऊपर बहुत भरोसा करता है। बच्चा ये समझता है कि मैंने टीचर ने ये कह दिया तो मैंने अच्छा काम कर दिया, और बुरा कर दिया तो उससे शर्मा भी जाता है और दुखी भी होता है। मैं मानती हूँ कि गांव के अंदर के कैरेक्टर को बदलने का काम ये भी आपके हाथ में। आज जिस तरीके से ये मॉडर्न कैरेक्टर में हम लोग चले जा रहे हैं, इस मॉडर्न कैरेक्टर को थोड़ा सा डालने की अपने को कोशिश करनी। हमें जो गुरुकुल की परिस्थितियां हुआ करती थी उसमें एक बहुत अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी। बच्चे वो सब जो निकल के जाते थे वो ऑलराउंडर्स हुआ करते थे, और ऑलराउंडर्स खाली गेम्स और परीक्षा और पढ़ाई में नहीं, परंतु थिंकिंग के अंदर भी, सोच के अंदर भी उनका बहुत बड़ा मैंने बदलाव आता था। हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे पैदा हों, ऐसे बच्चे हमारे क्षेत्र के अंदर चले जाए। ये क्षेत्र में चले जाएंगे तो अलग अलग जगह के ऊपर ऐसे पढ़ने के बच्चे आ जाएंगे, ऐसे अच्छे सोच वाले बच्चे आ जाएंगे, तो हमारी खुद की सोसाइटी और हमारा समाज बदल जाएगा। आज आपको कहते हो कि राजनीति में कैसे लोग चले गए, आप कहते हो कि ऐसा राजनीति है, कभी कभी मेरे को शर्म आती है, मैं तो वहां से झिझक के चली जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि आर्गुमेंट का तो टाइम मिलता ही नहीं है। तो आदमी वहां खड़े, एक आदमी यहाँ खड़ा, तो कह दिया ऐसे राजनीति के लोग और ऐसे राजनीति के लोग और ऐसे राजनीति, एक आदमी जो सामने खड़ा है जवाब देने का भी प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं कहती हूँ हम सब तो ऐसे नहीं है, और आज हम सब बदल सकते हैं। अगर छुट पर नहीं आप हमारा वो सोच प्रभाव ये सब बदल दो, तो हम भी ऐसी स्थिति में आगे कर सकते हैं जहां फिर हमको शर्मिंदा होने की जरूरत ना हो। हम कभी कहेंगे, और मैं कहती हूँ कि मैं जब आठवीं नौवीं में थी तो मेरा मैथ तो बिल्कुल ही खराब था, मैं गणित बिल्कुल समझती नहीं थी, समझते ही नहीं, तो मैं मान समझ नहीं आता ये जीरो और जीरो कैसे जाता है, या उस नंबर को माइनस प्लस मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, मेरे बिल्कुल समझ नहीं आती। फिर मेरे जिंदगी में एक गुरु आई, एक शिक्षक आए, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने मेरे को इसकी जो इसके पीछे जो रास है, मैथ का जो रास है, वो खेल के वो खुल के बता दिया। उससे कोई राज नहीं था, इतना सिंपल था। मैं अपने दिमाग में मची हुई थी, उन्होंने मेरे दिमाग को सही कर दिया, मेरे को अच्छा बता दिया। मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ, उसकी वजह से मैं जब बाहरी में निकली तो उस समय ग्रेडिंग हुआ करता था, पांच सब्जेक्ट थे, पांच सब्जेक्ट में या तो यू कुड गेट वन टू थ्री फोर फाइव, फिर थर्ड ग्रेड में चले जाते। मेरे को फर्स्ट मिला विद अ वन इन मैथ्स। मैं तो कहती हूँ कि वो टीचर ने मेरी जिंदगी बदल दी। ऐसे टीचर्स को बच्चे याद करते हैं। मैं आज अब उम्र बताऊंगी, ऐसे उम्र तक पहुंच गई हूँ, पर यहाँ भी पहुंच के मुझे उस टीचर की याद आती है कि उससे मेरी जिंदगी बदली। मुझे दिखाया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, हर चीज को अगर समझ के और बुद्धि लगा के काम करो तो उसकी चाबी कहीं ना कहीं मिल जाती है, उस चाबी को खोल के दुनिया एक दूसरे दिखा देती है। पर उस टीचर ने बताया मुझे, और मैं आज उस टीचर को याद भी करती हूँ। ऐसे बच्चे आपके लिए होंगे, आपके भी बच्चे ऐसे होने चाहिए जो आगे चल के आपको याद करेंगे कि हाँ हमारी वो टीचर थी, हमारा वो टीचर था जिससे मेरी जिंदगी बदल गई। और वैसे सवाल थे कि आपके यहां से निकल के हमारे यहाँ आएंगे तो टेबल पे हमारे साथ बैठे, वो बदलेंगे हमारे राजस्थान, वो हमारे राजस्थान को आगे ले जाने का काम करेंगे, तो वो आपकी देन होगी, ये मैं मानती हूँ। आज मैं अभी अध्यक्ष जी के साथ भी बात कर रही थी, आपके महामंत्री जी के साथ, पार्वती जी के साथ भी बात कर रही थी। मुझे मालूम है कि कर्मचारियों के संग सरकार ने काफी कुछ धोखा किया है, उनकी आदत है। मेरी आदत नहीं है, मैंने हमेशा सब लोगों को ये कह दिया कि जब तक मैं पूरी तरह से उसको स्टडी नहीं करती, आपके साथ बैठ के बात नहीं करती, तब तक विषय के बारे में बात करना पसंद ही नहीं करती। परंतु यहाँ हमारे उसमें तो वोटों की बात नहीं थी, मैंने सबको ये कह दिया, और अभी भी मैं सबको कह रही हूँ कि अगर आपको जो मैं कह रही हूँ वो समझ में आती है बात, तो हमारे साथ चलो और एक नया राजस्थान बनाने का हमारे साथ काम करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, तो हमारे साथ बैठो, आर्ग्यूमेंट करो। ये पहले भी हुआ करता था, और या तो आप हमें समझाओगे या हम आपको समझाएंगे, और दोनों जन मिलके फिर अपने काम में लग जाएंगे। अलग अलग गुट हमको खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है कि मैं सड़क पे चलूंगी तो आप हल्ला करोगे या आप हल्ला करो। हम चाहते हैं कि आप खुश रहें, क्योंकि अगर आप खुश हो तो आप दूसरों को भी खुश करोगे, परिवार को भी खुश करोगे, और आगे चलते राजस्थान को भी खुश करोगे। इसके लिए हम लोगों को एक साथ बैठने की जरूरत ही होगी,
और बहुत सारी आपकी जो समस्याएं हैं जो सरकार कहती है कि हम कर देंगे, चिंता मत करो, और ऐसे करके आपको रेवड़ी ब्याह बांटते बांटते धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेगी ताकि 5-6 साल तक आपको पहुंच जाओ, समझ में नहीं आपको कि कैसे पहुंच गए वहां, और बस मोटी बचा है बस वहां तक आपको पहुंचा दे। तो पूरे राजस्थान के साथ उन्होंने यही काम किया है और करती रहेगी, और जब आप लोगों को भी वहां तक पहुंचा दिया है तो घर की जनता को पहुंचाने में समझो इतना आसान काम होता है, कोई काम नहीं है। तो मैंने अभी दोनों से बात की, जल्दी है और हम लोग इससे डिस्कस भी नहीं कर पाए हैं, परंतु मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो भी कर्मचारियों की प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को पहले डील करना ये हमारा काम, हमने पहले भी किया था आगे भी करें। बहुत सारी समस्याओं को तब हमने बैठ बैठ के सुलझाने की कोशिश की थी, आगे भी उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने की हम कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ सबको कह दिया है कि अपन बैठे एक दफा बैठ के उसको सोचे समझे बात करें, और जो एसेंशियल चीजें हैं जिससे हमारे गुरु और हमारे टीचर्स को फायदा हो, जिसकी वजह से हम लोग सबको फायदा हो, हम करने को तैयार हैं। मैं नहीं समझती कि कोई ऐसी अनरीजनेबल बात आप ही करेंगे जो प्रदेश को नुकसान दे, या ऐसा रीजनेबल बात आप मेरे सामने रखेंगे जो हम नहीं माने, ऐसी चीजों के ऊपर हम टेबल से मिले बात करें सोचे समझे उसको आगे ले जाने की कोशिश करें। आप प्रहलाद जी मालिक जी आप लोग सब इन्होंने कहा है कि हम पेपर लाएंगे आपके साथ हम डिस्कशन करना चाहेंगे, ये यात्रा खत्म हो जाएगी तो हम साथ में बैठ लेंगे और बातचीत करके हम चाहेंगे कि जिस तरीके से पहले आप लोगों को भर्तियां कर करके ला के और आपको सेटिस्फाई करने की हमने कोशिश की वो हम फिर से करना चाहेंगे। ये आप लोगों के साथ राजनीति जो होती है इस राजनीति से परे होने की हमने तब भी कोशिश की थी और आगे भी कोशिश करेंगे, और मैं समझती हूँ कि समझाएंगे आप बात समझा देंगे तो समझने में प्रॉब्लम भी नहीं। इसलिए आज आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और यहाँ आप लोगों ने सबने एक दर्शन देने का काम किया, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं मानती हूँ कि आप लोग जब हो साथ में हो तो आप लोग लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से एक नए राजस्थान की तरफ ले जाने की बात भी करेंगे। और मैं ये भी विश्वास करती हूँ कि अब जैसे गुजरात आगे बढ़ गया, जैसे मध्य प्रदेश आगे बढ़ गया, जैसे छत्तीसगढ़ आगे बढ़ गया, कर्नाटक और साउथ के जो स्टेट है वो आगे बढ़ गए, मुझे शर्म आती है जब मैं सोचती हूँ कि राजस्थान का इतना सब कुछ होने के बाद भी हम अभी भी 55 साल के एक सरकार के साथ रहने के बाद भी, क्योंकि नरेश जी का हमारा निकाल हुआ 12 साल हमारे, नहीं तो 65 साल से अगर 53 साल एक कांग्रेस की सरकार को देने के बाद अगर हमारा ये हाश है तो फिर भगवान हमको बचाए और आप लोग हमको बचाए। इसके लिए आप लोग सबके ऊपर छोड़ के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। यात्रा के लोग मेरे को कहेंगे तो इसलिए मैं चलूंगी जी, घोषणा करके मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी न्याय होगा तो न्याय के समाज को आप लोगों को